नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। रविवार को आईपीएल का लीग स्टेज समाप्त हुआ और सीजन 16 की टॉप चार टीमें भी मिल गई। गुजरात, चेन्नई, लखनऊ और मुंबई की टीमों ने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। लीग स्टेज के आखिरी दिन कुल 3 शतक लगे। पहले मुंबई और हैदराबाद के मैच में कैमरन ग्रीन ने शतक लगाया और मुंबई को जीत दिलाई। उसके बाद शाम के मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए विराट ने शतक जड़ा तो और फिर चेज करते हुए शुभमन गिल ने शतक लगाकर गुजरात को शानदार जीत दिलाई और आरसीबी को प्लेऑफ से बाहर किया। विराट और गिल के शतक से ऑरेंज कैप की रेस में बदलाव देखने को मिले हैं, आइए जानते हैं। ऑरेंज कैप की रेस में लीग स्टेज तक सबसे ज्यादा रन आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने बनाए हैं। फाफ इस पूरे सीजन कमाल की फॉर्म में रहे और उन्होंने 14 मैचों में 56.15 की औसत से कुल 730 रन बनाए हैं। इस दौरान फाफ के बल्ले से 8 अर्धशतक निकले। फाफ लीग स्टेज तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। फाफ के बल्ले से 36 छक्के निकले हैं। क्योंकि फाफ की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है, ऐसे में बाकी बल्लेबाजों के पास मौका है उनसे आगे निकलने का। दूसरे नंबर पर गुजरात के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल हैं, जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ शतक लगाकर 600 रन का आंकड़ा पार किया है इस सीजन और 14 मैचों में कुल अभी तक 680 रन बना लिए हैं। और गिल के पास अब भी क्वालिफायर मुकाबले खेलने का मौका भी है और वो मात्र फाफ से 50 रन दूर हैं। ऐसे में वो फाफ को पीछे छोड़ सकते हैं। गिल ने सीजन 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने कल शानदार शतकीय पारी खेली और लीग स्टेज तक 14 मैचों में 639 रन बना लिए हैं। वहीं चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने 14 मैचों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 625 रन बनाए। पांचवें नंबर पर चेन्नई के डीवन कॉनवे हैं, जिन्होंने अब तक 14 मैचों में 585 रन बना लिए हैं। इनके पास भी मौका रहेगा यशस्वी और विराट से आगे निकलने का। वहीं पर्पल कैप की बात करें तो टॉप पर अब भी गुजरात टाइटंस के दो घातक गेंदबाज मोहम्मद शमी और राशिद खान बने हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने 14 मैचों में 24-24 विकेट चटकाए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में युजवेंद्र चहल 21 विकेट, पीयूष चावला, वरुण चक्रवर्ती और तुषार देशपांडे के नाम 20-20 विकेट हैं। ऐसे में पीयूष चावला, तुषार देशपांडे के पास मौका होगा कि वो क्वालिफायर में विकेट निकालें और आगे पहुंचे। वहीं शमी और राशिद में पर्पल कैप के लिए कड़ी लड़ाई चल रही है। ऐसे में देखना मजेदार होगा कि दोनों में से अंत में कौन खिलाड़ी पर्पल कैप अपने सर पर पहनता है। वहीं शुभमन गिल को भी देखना होगा कि क्या दोनों पर्पल और ऑरेंज कैप जो है वो गुजरात के खिलाड़ियों के सर ही चढ़ती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।